करना है। भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में जो है भारत की नदियों के संदर्भ में समझा था, भारत के अपवाह तंत्र को समझा था, उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र क्या होता है, दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र क्या होता है। आज की इस क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज के इस क्लास में हम भारत की जलवायु को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की जलवायु किस प्रकार की होती है और भारत की जलवायु कितने प्रकार की होती है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है और उस जलवायु को उसका नाम दिया गया है तो क्यों दिया गया है। साथ ही साथ जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। भारत की जलवायु, जलवायु को अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यह आज का टॉपिक है हमारा और इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है, हमारी जो भी क्लास होगी वो सभी मैप के ऊपर आधारित होगी, यानी कि मानचित्र के माध्यम से हम सभी क्लासों को, सभी टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आइए भारतीय मानसून को भी हम जो है मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा, भारत के मानचित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत का मानचित्र बनाना। आप भी अपनी नोटबुक्स में भारत के मानचित्र को बना लेंगे। देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलपड़ पड़त निशान। ये आपने सुना होगा बहुत पहले, जब आप प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ते होंगे तब आपने ये पंक्तियाँ सुनी होगी, पढ़ी भी होंगी, व्याख्या भी की होगी इसकी, और अभी भी आप सुनते होंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको ये करना है, भारत का मानचित्र किस तरीके से अच्छा बन जाए हमसे, उसके लिए हमको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। लगातार जिस तरीके से वो जो पर्शियन व्हील जिसको बोलते हैं, खेतों में जो वो पहिया होता है कुएँ पर, उस पहिए में लगातार रस्सी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आती जाती रहती है, तो एक समय ऐसा आता है वो पहिया भी, उसके अंदर भी रस्सी के ऊपर नीचे आने जाने से निशान बन जाता है। तो अगर हम भी बार बार कोशिश करेंगे मानचित्र बनाने की, तो एक दिन हम भी एक बेहतर मानचित्र बनाने वाले बन जाएंगे। इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ लगातार कोशिश करनी होगी मानचित्र बनाने की। देखिए, ये हमारा भारत का मानचित्र, इसको इससे मिला देने का। यहाँ पे कई सारे लेगून पाए जाते हैं, चाहो तो आप लेगून बना सकते हैं इस तरीके से। ये उड़ीसा में पुलिकत झील वगैरह, चिल्का झील वगैरह, कोलेरू झील वगैरह यहीं पे पाई जाती है सब, इसी तट पे। तो इस तरीके से हमारा ये भारत बन जाता है छोटा सा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे भारत की जलवायु को। भारत की जलवायु को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भारत के मध्य में से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा को हमको बनाना होगा। इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा। आठ राज्य से गुजरती है, आपको याद होंगे आठ राज्य कौन कौन से हैं, 23.5 डिग्री। हमको उससे मतलब नहीं है आठ राज्य से निकलती है या नहीं निकलती है, हमको जो टॉपिक पढ़ना है आज का, उस टॉपिक को समझना है कर्क रेखा के संदर्भ में। कर्क रेखा से हमको समझ में आएगा। देखिए, भारत की जलवायु जो है उसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये भारत की जलवायु को कहा जाता है। अब देखिए, वैसे भारत की जलवायु अगर देखें हम चारों तरफ, भारत क्योंकि विविधताओं वाला देश है, यहाँ हर किस्म की आप जो चीज़ लोगे उसमें विविधताएं पाई जाएगी, चाहे इंसान लीजिए, संस्कृति लीजिए, चाहे भाषाएं लीजिए, चाहे रंग लीजिए, चाहे धर्म लीजिए, या मानसूनी ले लीजिए, या जलवायु ले लीजिए, कोई भी एक टॉपिक लोगे आप तो उसमें कई प्रकार की विविधताएं आपको मिलेगी। तो हम जलवायु, आज हमारा टॉपिक है, तो जलवायु में भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत की जलवायु में इतनी विविधताएं पाई जाती है जितनी विविधताएं तो विश्व की जलवायु में भी नहीं पाई जाती, इतनी विविधताएं भारत की जलवायु में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, उसका कहना भी सही था।
उसने कहा था कि गर्मियों में जब गर्मी पड़ती है उस समय यहाँ का तापमान, जैसलमेर के आसपास का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उसी समय उसी टाइम पे उसी वक्त यहाँ जम्मू कश्मीर का तापमान मुश्किल से 20-22 डिग्री सेल्सियस रहता है। सर्दियों के दिनों में यहाँ का तापमान 10 या 12 डिग्री सेल्सियस रहता है, यहाँ -40 तक पहुँच जाता है द्रास जम्मू कश्मीर के आसपास, ठीक है। यहाँ वर्षा अधिक होती है, जिस परिस्थिति में जिस महीने में या जिस दिन यहाँ वर्षा अधिक होती है उसी टाइम पे उसी के पास वाला ये इलाका जो तमिलनाडु वाला इलाका है सूखा रह जाता है। और यहाँ राजस्थान के जैसलमेर में वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर होती है, लगभग 12 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। उसी दौरान यहाँ पे जो चेरापूंजी वाला इलाका है, मासिनराम ये वाला जो क्षेत्र है मेघालय, यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है 1142 सेंटीमीटर लगभग। अगर यहाँ 10 साल की वर्षा को रिकॉर्ड करें तो वो 10 साल की वर्षा यहाँ एक दिन में हो जाती है, 10 साल में यहाँ 120 सेंटीमीटर होगी, यहाँ 114 सेंटीमीटर एक ही दिन में हो जाती है। तो इस तरीके से समझाने की कोशिश की है विद्वानों ने कि भारत की जलवायु में कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, उन विविधताओं को समझने के लिए हमको भारत की जलवायु का अध्ययन करना आवश्यक है। भारत की जलवायु कोई आसान टॉपिक तो है नहीं, बड़ा मुश्किल टॉपिक है। उस टॉपिक को समझने के लिए हमको बहुत जो है कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। तो इस वीडियो के माध्यम से आप, मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा कहोगे कि भारतीय जलवायु हमको समझ में नहीं आई, इस वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी से भारत की जलवायु समझ में आ जाएगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है। देखिए हम चलते हैं ग्लोब की तरफ। लो साहब ग्लोब बना दिया आपने, ग्लोब बना दिया। अब देखिए ग्लोब के अंदर एक रेखा आप जानते हुए सभी कौन सी रेखा होती है, इस रेखा को कहते हैं हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसी तरीके से एक रेखा यहाँ होती है जिसको क्या कहते हैं हम 23.5 डिग्री कर्क रेखा। चलिए कर्क रेखा और मकर रेखा हमको समझ में आ जाती है, ये 23.5 और 0 डिग्री। इसके बाद एक रेखा और पाई जाती है यहाँ पे जिसको कहते हैं 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्क, अंटार्कटिक वृत्त। और इसी तरीके से एक रेखा यहाँ भी पाई जाती है जिसको कहते हैं 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। चलिए इतनी बात तो समझ में आती है भाई, आगे समझाओ गुरुजी, आगे समझो भाई। देखिए ये वाली जो रेखाएं हैं दो, ये वाली और ये वाली, सूर्य की स्थिति वर्ष भर इन दोनों रेखाओं के बीच ही बनी रहती है, समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना इसको। सूर्य जो होता है वो सूर्य की स्थिति, सूर्य का लंबवत प्रकाश हमेशा इन दोनों रेखाओं के बीच में, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के बीच ही सूर्य की वर्ष भर किरणें सीधी पड़ती है। कारण क्या है सर? कारण उसका यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए ठीक है, चलो आगे चलो सर, आगे देखिए 23.5 डिग्री जो झुकी रहती है उस वजह से यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी को दूसरी भाषा में उष्णता भी कहते हैं। तो इसी वजह से ये अक्षांश जो है, निम्न अक्षांश बोलते हैं वैसे इनको, 0 से 23, 0 से 23, इन अक्षांशों में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण ये अक्षांश कैसा रहता है, उष्ण, कैसा रहता है, उष्ण यानी कि गर्म, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से ये वाले जो अक्षांश है 90 डिग्री और 90 डिग्री, 66.5 से लेकर 90 डिग्री, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाले दोनों तरफ, यहां पे क्या है, सूर्य की किरणें लगभग 1 या 2 महीने के लिए पहुंच पाती है। जब सूर्य कर्क रेखा पे होगा तो यहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी।
जब सूर्य मकर रेखा पे होगा तो यहाँ पहुँचती है एक दो महीने के लिए, यहाँ नहीं पहुँच पाती। इस वजह से यहाँ बहुत कम मात्रा में सूर्य की किरणें पहुँच पाती है। ये पूरा क्षेत्र जमा हुआ रहता है दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर आप देख लीजिए साइबेरियाई क्षेत्र, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र, कनेडियन क्षेत्र, ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र, ये वर्ष भर लगभग जमे रहते हैं। नीचे की तरफ आप देखिए तो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र पूरी तरीके से जमा रहता है। तो ये इन क्षेत्रों को कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं इनको? शीत, बहुत अत्यधिक ठंड पड़ती है, शीत कटिबंध। ये वाला भी शीत कटिबंध और ये वाला भी शीत कटिबंध। बात समझ में आ रही है? आ रही है गुरुजी। शीत हो गया, शीत हो गया। अब जो ये बीच वाला बच रहा है, बीच वाला ये वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं ऊपर उष्ण नीचे शीत, ऊपर उष्ण नीचे शीत। तो इसको मिला करके क्या कह देते हैं? शीतोष्ण। क्या बोल देते हैं इसको? शीतोष्ण, यानी शीत भी है उष्ण भी है, दोनों का मिक्सचर, ठीक है। इसको भी क्या बोल देंगे? शीतोष्ण कटिबंध। इतनी बात समझ में आएगी भाई? आ गई सर, आगे चलो। चलो आगे चलते हैं। शीत, शीतोष्ण, उष्ण, तीन कटिबंध आपके समझ में आ गए। चलिए अब भारत के संदर्भ में हम इसको देखते हैं कि क्या मामला है। देखिए आप सभी को खूब पता है कि भारत के दक्षिण में लगभग 8 डिग्री नीचे, भारत के दक्षिण में 8 डिग्री नीचे। आपको मालूम है भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, कन्याकुमारी वाला क्षेत्र भारत का। हालांकि अंडमान निकोबार में देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है, लेकिन अपन मुख्य भूमि की बात करते हैं। 8 डिग्री नीचे, लगभग 872-876 किलोमीटर की दूरी है। इतनी दूर पे एक रेखा निकलती है जो विश्व को बराबर दो भागों में बांटती है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये वाली रेखा है, ठीक है, ये वाली, इस रेखा की बात कर रहे हैं हम। विषुवत रेखा यहाँ से निकलती है तो हमने क्या माना? विषुवत रेखा से कर्क रेखा, विषुवत रेखा से ये कर्क रेखा, ये रही भूमध्य रेखा से कर्क रेखा। इसके बीच के कटिबंध को हमने क्या कहा है? उष्ण कटिबंध। क्या बोला है? तो उष्ण कटिबंध। तो ये भारत का ये दक्षिणी क्षेत्र किस में आता है? उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया गुरुजी, आगे बताओ। इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। चलिए उष्ण कटिबंध हो गया। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला किस में आएगा? कर्क रेखा के ऊपर है ये, तो कर्क रेखा ये रही, कर्क रेखा के ऊपर वाला किस में? शीतोष्ण कटिबंध में। तो शीतोष्ण कटिबंध में ये वाला आएगा। लेकिन भारत की जलवायु तो उष्ण कटिबंधीय बताइए, ये तो गड़बड़ हो गया मामला। यहाँ तो उष्ण हो गया, यहाँ शीतोष्ण हो जाएगा, गड़बड़ हो गया मामला। तो देखिए क्या होता क्या है, उस शीत कटिबंध क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिस वजह से अत्यधिक ठंड पाई जाती है। अत्यधिक ठंड पाने की वजह से वहाँ की जो ठंड है, वहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं, वो आकर के दूसरे वाले क्षेत्रों को भी, यानी कि ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएगी, उत्तर से नीचे की तरफ आएगी, तो नीचे वाले क्षेत्रों को भी ठंड की चपेट में ले लेती है, जिस वजह से वो भी ठंडा और गर्म वाला मौसम हो जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भारत के संदर्भ में यहाँ पर आपको मालूम है एक पर्वत पाया जाता है। कौन सा पर्वत है सर? आपको पहले बता दिया हमने कौन सा पर्वत है। इस पर्वत का नाम है, आपको पता है, हिमालय पर्वत। क्या नाम है इसका? यहाँ हिमालय श्रेणी पाई जाती है, जो भारत की साइबेरिया की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं से रक्षा करती है। यानी कि साइबेरिया की तरफ जो ठंडी हवाएं आती है, ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोक लेती है। इस वजह से भारत का यहाँ का तापमान भी उष्ण कटिबंध की तरह बना रहता है, यानी कि गर्म रहता है यहाँ का तापमान भी। वर्ष भर यहाँ का तापमान गर्म रहता है, केवल सर्दियाँ जब होती है, जब सूरज मकर रेखा की तरफ जाता है, तभी यहाँ पर ठंड पड़ती है। उस ठंड का कारण भी सूर्य के नीचे जाने का है, ना कि उधर से आने वाली ठंडी हवाओं का। तो उधर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रकोप से भारत बचा रहता है। इस वजह से इस पूरे क्षेत्र को उष्ण कटिबंध मान लिया जाता है, और भारत की जलवायु को क्या कह दिया जाता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब एक शब्द और है यहाँ पर, मानसून। मानसून क्या होता है गुरुजी? मानसून आपने पढ़ रखा होगा, मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है ऋतुओं का बदलना, और जो है एक मौसम का थोड़ी देर में बदलना। चलिए हम देख लेते हैं इसको, मानसून किसको बोलते हैं, मानसून की क्रियाविधि क्या है। देखिए मानसून जो है, मानसूनी जलवायु केवल एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में ही पाई जाती है। इसके अलावा विश्व में मानसूनी जलवायु के क्षेत्र नहीं पाए जाते। तो हम इसके लिए एशिया का नक्शा बनाते हैं। देखिए समझने की कोशिश करना आप, हम एशिया का नक्शे के माध्यम से आपको समझाएंगे ये बात।
चलिए गुरुजी बना दीजिए। येलो सर, हमने ये नक्शा बना दिया। ये भारत हो गया, ये म्यांमार थाईलैंड वगैरह क्षेत्र हो गया, लाओस वियतनाम वगैरह। इसके बाद ये चीन हो गया, ये कोरिया हो गया, और ये कमचटका प्रायद्वीप हो गया, और ये आपका सुदूर पूर्व एशिया वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये हमने कर्क, ये भूमध्य रेखा गुजार दी, यहाँ पे हमने एक कर्क रेखा गुजार दी। ठीक है, अब ये उष्णकटिबंधीय। अब देखिए होता क्या है, जब जून के महीने में, कौन से महीने में, जून के महीने में सूरज की स्थिति कहाँ होती है, कर्क रेखा पर, यानी कि गर्मियों में। गर्मियों में तो मानसून आता है हमारे, यहाँ पर सूरज की स्थिति होती है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तापमान अधिक नहीं होता। इससे पहले आप एक बात और समझिए, एक बात और समझने के लिए मैं यहाँ का इस्तेमाल करता हूँ, इस स्पेस का। देखिए एक चीज का संबंध समझ लेना, जहाँ जहाँ तापमान अधिक होगा, इस बात को आप पल्ले गांठ बांध लेना, तापमान जहाँ अधिक होगा वहाँ पे वायु दाब क्या पाया जाएगा, कम। विपरीत संबंध होता है इन दोनों में, और जहाँ पे तापमान कम पाया जाएगा वहाँ पे वायु दाब क्या पाया जाएगा, अधिक। इस बात को आप बिल्कुल भी भूलना मत, ये बात आपके हमेशा काम आने वाली है। जहाँ जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वहाँ वायु दाब कम होगा, जहाँ जहाँ तापमान कम होगा वहाँ वहाँ वायु दाब अधिक होगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये हमने एशिया का नक्शा बनाया है, अरब बनाया है, भारत बनाया है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया के यहाँ पे कई सारे देश हैं, म्यांमार थाईलैंड मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह, इंडोनेशिया इसके नीचे आता है यहाँ पर, ये वगैरह वगैरह देश हैं यहाँ पे, जो वियतनाम लाओस कंबोडिया थाईलैंड वगैरह। तो देखिए होता क्या है, ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति होती है कर्क रेखा पे, तो यहाँ का तापमान क्या है, इसकी अपेक्षा कम रहता है। तो यहाँ का तापमान कम रहता है, तो यहाँ वायुदाब कैसा हो जाता है भाई, वायुदाब यहाँ का हो जाता है अधिक, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या रह जाता है, कम इसकी अपेक्षा। और यहाँ क्या है, आपको मालूम है यहाँ पे तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है, भारत के यहाँ थार का मरुस्थल है, यहाँ अरब का मरुस्थल है। तो ये सब क्या है, कर्क रेखा की वजह से, यहाँ पे सूर्य होने की वजह से, सूर्य की किरणें इन पे सीधी पड़ती है, सीधी पड़ने की वजह से ये अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, अत्यधिक गर्म होने की वजह से यहाँ तापमान क्या हो जाता है, अधिक, और वायुदाब क्या हो जाता है, कम। तो वायुदाब यहाँ पे कम, यहाँ वायुदाब अधिक, यहाँ तापमान अधिक, यहाँ तो तापमान कम। तो एक रिलेशन आप इसमें ध्यान रखना हमेशा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, हमेशा पवने या हवा किधर से किधर चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। ध्यान रख लेना, नोट कर लेना इस बात को भी, हमेशा पवने किधर चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवने चला करती है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे उच्च वायुदाब हो गया, वायुदाब अधिक है, यहाँ पे वायुदाब कम है, तो हवाएं क्या है, यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। कब, जुलाई में, जून में, मई में, क्योंकि यहाँ अधिक तापमान है उस समय, यहाँ कम तापमान रहेगा, तो हवाएं इधर की तरफ से ऊपर की तरफ उठेगी। अब चूंकि ये हवाएं यहाँ से जा रही है, क्योंकि ये समुद्र वाला एरिया है, सागर वाला एरिया है, तो सागरीय क्षेत्रों से ये नमी भी लेती जाएगी, यानी कि वाष्प भी यहाँ से करके लेती जाएगी। तो नमी यहाँ से लेती जाएगी, तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी, पर्वतों के समीप जाएगी, तो वहाँ पर वर्षा कर देगी वो। इस तरीके से इस प्रकार की जो मानसूनी, इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसे मानसूनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे होती है ये होती है दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। बात समझ में आई, इसको मानसूनी एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्षा यहाँ नहीं होती, ये वर्षा उधर भी नहीं होती अमेरिका अफ्रीका में, ये वर्षा इसी क्षेत्र में होती है, इसलिए इसको मानसूनी एशिया के नाम से जाना जाता है, मानसूनी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए गुरुजी इतनी बात समझ में आ गई, आगे बताओ।
चलिए भाई आगे देखते हैं। ये तो हमारी भारत की जलवायु हुई, बात समझ में आ गई। उष्णकटिबंध भी समझ में आ गया आपको और मानसून भी समझ में आ गया। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की हो गई। अब देखिए, अब हम इसको मिटा देते हैं और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, या लिख सकते हो आप जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमने भारत की जलवायु तो देख ली भाई किस प्रकार की है, जिस प्रकार का नाम था उसका, उस प्रकार की हमने बातें देख ली। अब हम ये देख लेते हैं कि भारत की जलवायु किस को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। तो सबसे पहले ये चीज़ें प्रभावित करेगी, तापमान, वायु दाब, पवने। तो सबसे पहले लिखिए आप तापमान, वायु दाब और पवने। सबसे पहले तो यही प्रभावित करेगी, जहाँ का तापमान अधिक होगा वहाँ जो है उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, निम्न वायुदाब का। जहाँ तापमान कम होगा उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, वायुदाब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलेगी, जिधर की तरफ हवाएं चलेगी उधर की तरफ वर्षाएं करेगी। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक हुआ। दूसरा कारक क्या है गुरुजी? दूसरा कारक है धरातलीय स्थिति। धरातलीय स्थिति कैसे गुरुजी? इसको भी समझते हैं। धरातलीय स्थिति, आप देखिए धरातलीय स्थिति कैसे होती है, उच्चावच भी कह सकते हैं इसको, उच्चावच। धरातलीय स्थिति कैसे प्रभावित करती है? देखिए किसी भी स्थान का धरातल वहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है, ये एक तथ्य है। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम? इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ का ले लो, कहीं का ले लो, हिमालय का ले लो, एक ही बात है। देखिए यहाँ आपको मालूम है एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, हमने आपको बताया था जब हम प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ियों को पढ़ रहे थे, तो केरल के तट के पास एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है इसी आकार में, इसी शेप में। उसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी दौदा बेट्टा, ये भी आपको हमने बताई थी, 25-37 इसकी ऊंचाई, 26-37 इसकी ऊंचाई है। तो ये दौदा बेट्टा, सॉरी नीलगिरी की पहाड़ियाँ लगभग औसतन 2000 मीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मालूम है कगार भूमि पाई जाती है। कगार भूमि समझते हो ना, प्रायद्वीपीय भाग कगार के रूप में यहाँ पे ऊंचा उठा हुआ है एकदम से। तो क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए, जब भारत में वर्षा होती है, मानसून जब आता है, तो मानसून टकरा करके इधर वर्षा करता है, इस पहाड़ी से टकरा करके इधर वर्षा कर देता है। तो जहाँ जहाँ ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाएगी, बादल या मानसूनी पवने उनसे टकरा करके इसी एरिया में बारिश कर देगी। दूसरा एरिया सूखा रह जाएगा, जो सूखा रह जाएगा उसको नाम दिया गया है वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं उसको, वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे एक अवरोध है, पहाड़ है, इधर से मानसूनी पवने आएगी, ये इस पहाड़ से टकरा करके इधर ही वर्षा कर देगी, इधर वाला क्षेत्र सूखा रह जाएगा। तो इधर वाले क्षेत्र में जो वर्षा हुई है वो किस वजह से हुई? धरातलीय उच्चावच की वजह से। तो हमने धरातलीय उच्चावच बताया यहाँ, इधर वाली वर्षा नहीं, क्यों? इसी की वजह से वर्षा नहीं। तो इधर वाला जो क्षेत्र है उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कह देते हैं, इसी वजह से ध्यान रखना। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत की जो मानसूनी जलवायु है उस मानसूनी जलवायु से वर्षा प्राप्त नहीं करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती इस मानसून की वजह से। इसी तरीके से आपको मालूम है ये हमारा राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान वाले क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला औसतन 1000 से 900 मीटर ऊंची है। तो वहाँ भी जो इधर से इधर की तरफ से बंगाल की खाड़ी से या ये जो अरब सागरीय मानसून जाता है वो इधर की तरफ वर्षा नहीं कर पाता पश्चिमी राजस्थान में, इस वजह से पश्चिमी राजस्थान शुष्क रह जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, वो इधर की तरफ हो जाती है। इसी तरीके से जब मानसून ऊपर बढ़ता है तो हिमालय पर्वत से टकरा के सारी वर्षा इधर कर देता है, तो उधर वाला क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो धरातलीय उच्चावच भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति अभी मैंने आपको समझाया कि जो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय में होगा, उष्णकटिबंध के नज़दीक होगा, वहाँ सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होगी। क्यों होगी सर? उसका कारण यह है
कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है सर्वाधिक गर्म क्षेत्र होते हैं। सर्वाधिक गर्म क्षेत्र क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा अधिकतर इसका विस्तार महासागरों में है। अत्यधिक तापमान की वजह से वाष्प ज़्यादा बनता है, वाष्प ज़्यादा बनने की वजह से बादल ज़्यादा बनते हैं, बादल ज़्यादा बनने की वजह से वर्षा होती है। तो जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के करीब होगा, भूमध्य रेखा के करीब होने का मतलब है निम्न अक्षांश, जो क्षेत्र निम्न अक्षांशों में होगा वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। जैसे जैसे उच्च अक्षांशों में जाएंगे वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपको मालूम है ऊपर की तरफ वर्षा नहीं होती, जहाँ साइबेरिया वाले क्षेत्र वहाँ बहुत कम न्यून मात्रा में वर्षा होती है। भारत में भी सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है द्रास जम्मू कश्मीर है, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान भी वही है, विश्व का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है द्रास जम्मू कश्मीर में, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अक्षांश स्थिति समझ में आएगी। चौथी बात लिखिए आप, चक्रवात। चक्रवात कैसे प्रभावित करते हैं, देखिए चक्रवात बनते हैं वाताग्रों से। वाताग्र किसको बोलते हैं, देखिए एक मान लीजिए ये गर्म वायु राशि है, ये ठंडी वायु राशि है, ये गर्म है, ये ठंडी वायु राशि है। अब आपको एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि ठंडी वायु राशि ज़्यादा हल्की होती है या गर्म वायु राशि हल्की होती है, तो इसका जवाब क्या आना चाहिए, गर्म वायु राशि हल्की होती है। क्यों होती है इसका उदाहरण भी समझ लेते हैं। ठंडी वायु राशि जो होती है उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो नमी की मात्रा यानी कि बूंदे बनने लग जाती है, तो बूंदे भारी हो जाती है तो नीचे गिर जाती है। गर्म में वाष्प होती है, तो वाष्प हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, वाष्प हमेशा किधर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ, तो हल्की होती है इस वजह से ऊपर की तरफ जाती है। तो गर्म वायु राशि हल्की होती है, ठंडी वायु राशि भारी होती है। जब दोनों वायु राशियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती है तो ठंडी वायु राशि नीचे, गर्म वायु राशि ऊपर चली जाती है। जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएगी तो ठंडी वायु राशि नीचे और गर्म वायु राशि ऊपर चली जाएगी, बीच का जो क्षेत्र है ये वाताग्र बन जाता है। जब ये तीव्र गति से चलती है हवाएं तो वाताग्र टेढ़ा मेढ़ा होकर के इस तरीके से घूम घूम करके बन जाता है, इसलिए चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो चक्रवात जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ पानी को उठा लेते हैं, ये अपने साथ नमी को उठा लेते हैं, और जिस दिशा में चलते हैं पवनें जिस दिशा में इसको धक्का देती है उस दिशा में जा करके वर्षा करते हैं। तो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में चक्रवातों का भी अहम रोल है। इसके बाद आप लिखिए अगला बिंदु जो है वह है ऊपरी वायु संचरण, जिसको जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ऊपरी वायु संचरण, जेट स्ट्रीम। देखिए ऊपरी वायु संचरण क्या होता है, ऊपरी वायु संचरण का मतलब ये होता है कि ऊपर वाले क्षेत्र में यानी कि लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे, समुद्र तल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या होता है, एक पवने चलती है सर्पिलाकार आकार में। सर्पिलाकार बोले तो इस तरीके से पवने चला करती है, तेज गति से, बहुत तेज गति से पवने चला करती है, जेट विमान होता है उस गति से। तो बहुत तेज गति से ये पवने चलने के कारण ये जो चक्रवात होते हैं या जो विक्षोभ होते हैं पश्चिमी विक्षोभ वगैरह, उन विक्षोभों को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है, और जहाँ पे ये मंद पड़ती है वहाँ पे बारिश हो जाती है। तो जहाँ पे ये मंद पड़ती है वहाँ ये वर्षा कर देती है, तो वर्षा करने की वजह से ये भी क्या है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। इसके अलावा जल और स्थल का स्वभाव ये एक इम्पॉर्टेंट कारक है। देखिए जल और स्थल का स्वभाव अलग अलग होता है। जल स्थल की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है, जबकि स्थल जल की अपेक्षा अत्यधिक तेज गति से गर्म हो जाता है और धीरे धीरे अत्यधिक तेज गति से ही ठंडा हो जाता है। अगर हम बात करें गर्मियों के दिनों में, आप अक्सर देखा करते हो हमारे घर के बाहर जो पत्थर या आजकल कोटा स्टोन वगैरह जो जमे रहते हैं उन पर हमारा चलना भी दुश्वार हो जाता है, वो इतने गर्म हो जाते हैं गर्मियों में कि आप रोटी यूँ बेल करके उस पर सेक सकते हैं, रोटी सिक जाएगी, ठीक है, इतने गर्म हो जाते हैं। और कुछ देर के बाद जब सूरज ढल जाता है एक दो घंटे के बाद वो ठंडे भी हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके विपरीत एक बात करें हम, हमारे घरों में आजकल सभी के लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं तो ऊपर वाली जो टंकियाँ होती है गर्मियों में, आप टंकियों का पानी देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है गर्मियों में, सुबह सुबह गर्म नहीं रहता वो, 3 या 4 बजे तक बहुत ज़्यादा हीट मार जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर उसके बाद आप अगर सुबह भी उठ करके उसका टोंटी खोलोगे, आप नल खोलोगे
तो भी आपको वो पानी गर्म ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जल जो है धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ही ठंडा होता है, उसका गुण होता है। स्थल जो है धीरे धीरे जल्दी अत्यधिक तेज गति से गर्म हो जाता है और धीरे बहुत तेज गति से ही ठंडा हो जाता है। इसी तरीके से क्या है, जब ये इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो, ये स्थल हो गया और इधर क्या है, ये जलीय क्षेत्र हो गया, ये जल हो गया। तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, जल धीरे धीरे गर्म होगा, ये जल्दी से गर्म हो जाएगा, तो यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, और यहाँ का तापमान इसकी अपेक्षा कम रहेगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हवाएं किधर से किधर चलेगी, दिन के समय हवाएं चलेगी जल से स्थल की तरफ, जल से स्थल की तरफ, तो जल से स्थल की तरफ चलेगी तो ये वर्षा करेगी, और शाम के समय क्या होगा, स्थल से जल की तरफ चलेगी तो ये शुष्कता पैदा करेगी। इसी वजह से दिन का तापमान समुद्र के किनारे जो है उमस, अत्यधिक उमस रहती है समुद्र के किनारे दिनों में, और शाम को अच्छा वातावरण होता है, सुहावना मौसम जिसको बोलते हैं। तो ये सब कारक है, 5 या 6 कारक, ये सभी कारक क्या है, किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम वर्षा पढ़ेंगे। ये जलवायु, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जलवायु के बाद हम जलवायु से संबंधित टॉपिक है, जलवायु वर्षा ही तो करवाते हैं हमारे यहाँ पे, गर्मी सर्दी मौसम, ये 3 प्रकार के जो मौसम बनते हैं वो जलवायु के संदर्भ में बनते हैं। और जलवायु और मौसम में अंतर आपको समझ में आता होगा, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। जलवायु किसी स्थान की लंबे समय की अवधि होती है, मौसम किसी स्थान की कम समय की अवधि होती है। लंबे समय की अवधि से तात्पर्य 20 या 25 या 30 साल की अवधि, और थोड़े समय की मतलब 5, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, ठीक है, 1 महीना कह सकते हैं, उस समय की अवधि को मौसम कहते हैं। कहते हैं मौसम बदलते हुए देर नहीं लगती, मौसम की तरह यारा तुम बदलना जाना, इस तरीके से गाने भी आते हैं। तो देखिए, भारत में जब वर्षा होती है तो वर्षा होने से पहले प्री मानसून की एक वर्षा होती है। भारत में जब वर्षा होती है, मानसून से पहले की वर्षा, प्री मानसून जिसको बोलते हैं, तो मानसून से पहले की वर्षा जब सबसे पहले केरल में होती है, तो केरल में मानसून से पहले होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा, क्योंकि ये आम की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, आम्र वर्षा कहते हैं। और फूलों की बौछार भी कहते हैं इसको, फूलों की बौछार भी इसको कहा जाता है, आम्र वर्षा और फूलों की बौछार कहाँ कहते हैं, केरल में। कर्नाटक में इसी प्री मानसून वाली वर्षा को क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम, ध्यान रखना इसको, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम कहते हैं, यानी इसमें कहवा के खेती के लिए इम्पोर्टेंट है, कहवा के लिए, कहवा वर्षा भी कहते हैं इसको, कॉफ़ी वर्षा, कहवा वर्षा, कॉफ़ी वर्षा लिख लीजिए आप, कॉफ़ी वर्षा कहते हैं इसको। इसी तरीके से असम में प्री मानसून की वर्षा को कहते हैं बारदोली छिड़ा, बारदोली छिड़ा, या चाय वर्षा, चाय की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है। और असम और बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम और बंगाल में शाम के समय, शाम के समय चलने वाली भयंकर तूफानी हवाओं को, भयंकर विनाशकारी हवाओं को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काल बैसाखी, यहां लिख देता हूं मैं, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट बातें थी, इन बातों को भी आप नोट कर लीजिए। कल के वीडियो में हम जो है, कल की क्लास में हम भारत में वर्षा के वितरण को समझेंगे, भारत की जलवायु के कुछ और टॉपिक रह गए तो उनको भी समझेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।